10 से 12 किलो, 12 से 15 किलो लगभग दाना देता हूँ। तो जो देते हैं उसको दिखा दीजिए। हाँ ठीक है ना। कैसे मिक्स करते हैं जरा बताओ ना। इसको आधा इसमें करके ना, तो अलग से कोई कैल्शियम देने की जरूरत ही नहीं है बकरी को। यहाँ कोई पैसा नहीं कमाया था केला में, मैं अच्छा पैसा कमाया। हाँ पैसा खूब अच्छा बना था उसमें। मैं तो सुना बहुत लोग आपके केले की खेती से प्रभावित हुए हैं। सर अभी जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी भी आए थे, मेरे प्लांट विजिट किए, उसके बाद लगाए वो, और आज उनका उत्पादन बहुत अच्छा है। तो केला पत्ता में बकरा बढ़िया बढ़ गई रही। अच्छा केले के पत्ते में बढ़िया बकरा। हाँ बढ़ गया। उसमें ग्रास काल मछली डाला था, केला पत्ता दिया, तो उसमें भी मेरे को प्रति साल 70 से 80 हजार रुपया आमदनी होता था। कोई दाना नहीं, सिर्फ केला पत्ता। कोठा उठा जो है ना, नीचे वीचे कीड़ा वीड़ा रहता है उसको खा देते हैं। हाँ। ऐसी करके आए तो लोग अच्छा साफ करते हैं। ये जो पलंग है ये रेम्बो के लिए बना है, बहुत टेंशन फ्री है। हाँ। अच्छा निजात दी तो फर बकरी के पेशवा खत्म हो। अभी तक मेरे पास सिलेंडर नहीं है। हाँ। इसी में 20-30-40 आदमी का खाना बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सिरोही और छत्तीसगढ़ की देसी का बकरी पालन एक साथ कैसे करते हैं छत्तीसगढ़ के किसान, ये दिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इन बेहतरीन बकरियों को क्या खिलाया पिलाया जाता है, इसके साथ साथ इनके रख रखाव पर पूरा विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। डिटेल जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और ये देसी प्लस सिरोही की जो बकरियां हैं ये भाई साहब की हैं। भैया आपके परिचय कहाँ है जरा बताओ। मेरा नाम गुलाब चंद पटेल। हाँ। ग्राम गंधरा चुआ नावाडी है मेरा गांव। हाँ। और ये सरायपाली साड़ंगर मुख्य मार्ग से सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर। 3 किलोमीटर अंदर यहाँ से आप सारंगढ़ जाओगे तो 20 किलोमीटर। हाँ। यहाँ सरायपाली जाओगे तो 30 किलोमीटर। हाँ, कनकबीरा से जस्ट रामटेक होते हुए मेरा गाँव नावाडी आना है। नावाडी। और कितने साल से पा रहे हैं ये? मेरे को 3 साल हो गया। लेकिन पहले कम था। 15 से शुरू किया मैं तो मेरे को लगा कि अच्छा बेनिफिट हो रहा है। हुआ मेरे को 1 लाख बच गया था साल में। तो उसके बाद मैं बकरा था, बकरे में लाया था, बकरा पालन कर रहा था। उसके बाद ना मेरे को अच्छा प्रॉफिट है, हम बकरा ले रहे हैं, इससे अपेक्षा हम बकरी से बच्चे लेके पालन करें, ऐसे सोच के मैं बकरी लाया। अच्छा पहले बकरा रखे थे। उसके बाद बकरी भी रखूं सोच के। हाँ, बकरी जो बच्चे ला रहे हैं वो बच्चा अपने पास होगा तो 5,000 बचेगा। हाँ। तो बकरी को खिलाएंगे तो यदि 2 बच्चा आएगा तो थोड़ा सा डबल प्रॉफिट हो सकता है। हाँ। और सीखने की है समझ। हाँ। लगभग सीखना है इसमें। हाँ। ये सोच कर मैं 20 एकदम पटिया लाया था, वो 15 से 17 किलो था। अच्छा। यहाँ आके ही गाभिन हुआ। हाँ। और ये बच्चा मेरे पास 30 ठो दे दिए थे अगला साल। अभी ये 2 ठो आया है और बाकी सब अभी गाभिन है। 1-1.5-2 महीना में 20 बच्चा और आ जाएगा। अच्छा। और देखिए प्रेम से पालते हैं, उसकी निशानी ये है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे इनका भीड़ लग गया है। मतलब जहाँ पे भैया खड़े हैं वहाँ पे ये आके खड़ी है। इसका मतलब है कि कितना प्रेम से पालते हैं ये समझ सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल दिखाते हैं कि भैया कैसे पालते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पूरा परिवार मिलके पालते हो आप लोग? हाँ सब परिवार मिलके पालते हैं। अच्छा ये जरा भैया पानी को समझाइए पहले। हाँ इसमें नल से पानी आता है, इसमें नमक डालता हूँ मैं 1 मुट्ठी पीने के लिए। अभी पानी बरसात के दिन है, थोड़ा सा कम पी रहे हैं। ऊपर से चूना डालता हूँ, कल साफ कर दिया हूँ, ये चूना का गोटी रहता है। तो पानी यदि बच भी गया तो नमक वमक कुछ खराब नहीं होता। और चूना से कैल्शियम मिल जाता है, तो अलग से कोई कैल्शियम देने की जरूरत ही नहीं है बकरी को। अच्छा। आज तक मैं कैल्शियम की बाटल नहीं पिलाया हूँ इनको। हाँ। लगभग बकरी देख ही रहे हो मेरा। हाँ। और प्लस पानी अच्छा पीते हैं। अच्छा पानी अच्छा पी लेते हैं। ठीक है। और ये सारा बकरी देखेंगे और समझेंगे, जैसे ये सिरोही देख रहे हैं हम। हाँ। तो सिरोही कहाँ से लाए? मैं राजस्थान से लाया था। अच्छा। माने 42 बकरी और बकरा करके। हाँ। उसमें 20 ठो बकरी था, बाकी 22 ठो बकरा था। क्योंकि इसीलिए लाया कि बकरा 1 साल में पैसा दे देगा, बकरी पैसा नहीं देगा। हाँ। तो किसान आदमी के मैनेजमेंट के लिए कि वो 10-12 माने 20 बकरा में बेच लूँगा तो उसमें पैसा आ जाएगा, अगला साल से फिर आ जाएगा। तो उस टाइप का बढ़िया सेटलमेंट बना। और जो बकरा छोटा लाया था वो अभी तक मैं बेच चुका हूँ, भी 25-20 नग जो आया था ना लगभग बेच चुका हूँ।
अच्छा हाँ, तो राजस्थान से खरीदने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का तो उतना अच्छा नहीं रहा, मेरे को केजी हिसाब से वहाँ बात किए थे तो केजी में मेरे को लगभग 40 से 50 हज़ार माइनस गया था, वो लोग का कांटा में थोड़ा सा डिफरेंस था, कांटा में डिफरेंस था। हाँ तो और मैं बोला मेरा जो साथ गया था वो तो बकरी नहीं उठाएंगे, इन लोगों के केस वेस ये सब बोल रहा था, लेकिन मैं बोला बकरी है पाल लेंगे तो 50 हज़ार का टेंशन में फिर 2 महीना 4 महीना घूमेंगे, पैसा तो लग ही चुका है, इससे अपेक्षा हम लोग ले जाते हैं, ज़्यादा का माइनस में नहीं है, यही सोच के हम लोग लाए। और यह है समझो अच्छा। माने यहाँ जो हम लोग यदि खरीदते उससे महंगा नहीं पड़ा है मेरे को, वहाँ जो सस्ता मिला है तो वहाँ यहाँ भी खरीदते ना तो उससे कुछ पैसा बचा है मेरा, वहाँ से उतना माइनस हुआ भी फिर भी बचा है। अच्छा केजी में लाते केजी में लाए हैं तो लाए हैं तो, है ना, यहाँ से कुछ माइनस आपका बचा है पैसा, वहाँ पैसा बचा है। ठीक है अच्छा भैया इनको क्या खिलाते हैं ये पहले समझा दीजिए। ये लगभग लगभग पूरी तरह चराई में है। अच्छा और प्लस मैं 10 से 12 किलो 12 से 15 किलो लगभग दाना देता हूँ, तो जो देते हैं उसको दिखा दीजिए। हाँ ठीक है ना। तो भैया ये खेती खार कितना करें? खेती हमार 15 एकड़। हाँ और खेती में क्या क्या लगाते हैं? खेती में अभी बस 2 साल हो गए, मैंने 1.5 साल हो गए मैं बंद करे हैं, तन केला रही टमाटर साग सब्जी सब लगाते हैं, मोर 8 से 10 एकड़ है मैंने बागवानी फसल में रही। अभी ये LMM के तहत में थोड़े से बकरी ला बढ़ा करके चारा वारा 5 एकड़ में लगाना है करके मैं केला ला बंद कर दे हैं, तन केला भी बढ़िया रही, पहले मैं 1 साल जो पालें तो केला पत्ता में बकरा बढ़िया बढ़ गई रही। अच्छा केले के पत्ते में बढ़िया बकरा? हाँ बढ़ गया था, जो मैं 15 पहले पाले थे 1 साल। अच्छा हाँ। लेकिन आपका हम सुने केले की खेती बहुत प्रसिद्ध रही है। हाँ बहुत प्रसिद्ध था और मैंने यहाँ कोई पैसा नहीं कमाया था केला में, मैं अच्छा पैसा कमाया था। हाँ पैसा अच्छा। खूब अच्छा बना था उसमें और अच्छा। सब फसल से यदि कोई किसान भी करना चाहे तो केला नो टेंशन टाइप का खेती है, सिर्फ उसको 8 महीना ही देख रेख की ज़रूरत है, उसके बाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खाद का उतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी मेंटेन करना है। पानी आपको चाहिए? हाँ पानी चाहिए उस। अच्छा और केला करेंगे तो केले का पत्ती इसको खिला सकते हैं? हाँ आराम से, जो घेर काटते हैं ना घेर काटे बिक भी है केला, उसके बाद पत्ता ले आओ। मैं तालाब है मेरा उसमें मैं प्रतिदिन 150 से 200 पत्ता डालता था और जितना दिन केला था मेरा 4 साल, मैं 4 साल में मछली 40 डिसमिल का है उसको पानी एकत्रित करने के लिए एक तालाब किया था, 2 छोटा-छोटा बोर है तो ड्रिप में आप 7 एकड़ में चलाना है बोल के मैं इकट्ठा किया था, उसमें ग्रास काल मछली डाला था और केला पत्ता दिया तो उसमें भी मेरे को प्रति साल 70 से 80 हज़ार रुपया आमदनी होता था, कोई दाना नहीं सिर्फ केला पत्ता और 150 से 200 पत्ता पर डे खाते थे। अच्छा हाँ उसका वीडियो मेरे पास है। मैं तो सोचा मैं तो सुना हूँ बहुत लोग आपके केले की खेती से प्रभावित हुए हैं। हाँ बहुत लोग मेरे से सर अभी जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी भी आए थे मेरे प्लांट विजिट किए उसके बाद लगाए वो और आज उनका उत्पादन बहुत अच्छा है। हाँ आपसे ही प्रभावित होकर लगाए। हाँ ठीक है अच्छा ये बड़ा जोरदार बना है, जरा मैं समझा दूँ, ये राचर है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन इस राचर पे इधर पे चक्का लगाया गया है बीच में और राचर का आधा हिस्सा जो है छोटा दरवाज़ा बना दिया गया है, ये देखिए ये ऐसा राचर सबके घर रहता है लेकिन पूरा राचर खोलने में बकरियों के लिए तकलीफ होती है तो इन्होंने बीच से कट कर दिया है। इसको बढ़िया यहाँ से खोल के लटका देता हूँ, इसमें जो मेरा घर में था वही जुगाड़ बना है, खरीद के नहीं लगाया हूँ, इसको ऐसे लगा दे रहोगे तो बकरी आराम से चले अटक गए, बकरी खुसर गए तो हम खोल दे। हाँ ठीक बना भैया, अच्छा है। हाँ ठीक है भैया इसको खोल दे। जाली जो लगाए है ना ये में कुत्ता उत्ता घुस जात रही तो कुत्ता घुसे ले ज्यादा काम ये हर बकरी मनला मालिश करे काम करते हैं। हाँ। सब ये बकरी थोड़े दबे है हाँ। सब बकरी आके खुजली हल्का फुल्का जो भी रही तो रगड़ते तो बड़ बढ़िया साफ भी होते। मैं सोचा था ये बाड़ी मन की जाली मन की अपेक्षा ये जाली और फैला दिया जाएगा करके। अच्छा हाँ उनके रगड़ने का काम रगड़ने का भी काम है। कुत्ता उत्ता नहीं घुसी करके कभी नहीं रह ले बाहर है तो खुला भी रहते हैं बकरी तो हाँ। कुत्ता मतलब डरते हैं तो जब तक मोर डाग है तो घुसे के आपका डाग तो बेहतरीन है, मैं भी दिखाता हूँ आपका डाग पहनने का कोई जरूरी। अच्छा ये अपने आप आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा ये देखो ये आ गया
और इसको लगा दिए। चलो भैया आप खाना देखते हैं और आपका डॉग भी दिखाते चलते हैं। ये रेम्बो, रेम्बो ये देखो, ये रेम्बो है। कौन सा ब्रीड है भैया? ये डाबरमैन, डाबरमैन है। ठीक है, ये देखिए जबरदस्त रेम्बो है। और रेम्बो के जबरदस्त रहने का जुगाड़ जब मैं देखा सुबह सुबह तो मैं बहुत खुश हुआ भाई। बढ़ जा, और बढ़ ये देख के आप समझ सकते हैं कि किसान जो है अपने यहाँ जो पालतू पशु है उनको कितने प्रेम से रखते हैं ये देख के इस बात का मिसाल है। ये जो पलंग है ये रेम्बो के लिए बना है। जब हम लोग सुबह आए तो रेम्बो मस्त इसमें सोया हुआ था, तो रात भर यही सोता है। हाँ, यही रहता है। हम लोग दरवाजे दे के अंदर चले जाते हैं। हाँ। यही पंखा लगा दिया हूँ। हाँ। यही रहता है। हाँ। और दूसरा डाग वाग आएगा ना सबको। हाँ। भगाता है। हाँ। और चौकीदारी की काम ही नहीं है हम लोगों का। यदि दरवाजा भी खुला रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। रोज बांध के रखते खुला? नहीं नहीं, खुला रहते। आप थोड़े से आदमी हम, तो यदि नया आदमी है तो हमेशा खुला बांधे के कोई काम नहीं है। हम जब रथन खटे रहते रहते अच्छा खाए के जान बोला ही दोस्त यार होती लाते के लिए नहीं, तो दो चार आते ना तो एक दो मन दोस्ती है। हाँ। बाकी मला दौड़ा दौड़ा के भगा देते। तो दोस्ती है तो नीचे में बैठे रहा। हाँ, तो नीचे में आस पास सूत जाते हैं। और ये राजा टाइप ऊपर अपन खटिया में बैठे रहते सूते रहते मन चढ़े भी नहीं। हाँ, दूसरा मन खाली भी रही। वो अपन सीट में चढ़ा नहीं देते। हाँ, सिंहासन में किसे चढ़े भी वो मन। वो कर सिंहासन है। हाँ। वो में बैठ के वो फैसला सुनाते हुई है ना। ठीक है, तो ये प्रेम आप समझ सकते हैं कि अपने पालतू पशु का किस तरीके से किसान ख्याल रखते हैं ये समझ सकते हैं। अच्छा भैया, इधर मैं मुर्गी भी देख रहा था, मुर्गी जरा समझा दो। हाँ, मुर्गी भी है इसमें। देसी का पहले था मेरा पूरा देसी ब्रीड, 10-12 लाया था। हाँ। बकरी वकरी के लिए। हाँ। माने वो कीड़ा वीड़ा किन्नी विन्नी को खाते हैं बोल के। हाँ। और कोठा उठा जो है ना नीचे वीचे कीड़ा वीड़ा रहता है उसको खा देते हैं। हाँ। ऐसी करके आए तो लोग अच्छा साफ करते हैं ये लोग को सफाई में लगा। हाँ, देते हाँ, हैं सफाई में। तो अभी थोड़ा सा सोनाली मेरे को मिल गया था बच्चा ना। हाँ। तो उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हूँ। तन 15-20 देसी मुर्गी है मेरे पास, उसमें मुर्गी भी है तो खाते भी हैं। प्लस जितना का मैं माने अभी तो दाना वाना थोड़ा सा दे रहा हूँ। देसी को तो कोई जरूरत ही नहीं है, वहीं यहाँ से निकलेंगे और वहाँ चले जाते हैं। रात को ही वो लोग यहाँ के आते हैं और रुकते हैं। रुकते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब पशुओं का जो पेंडिंग काम है पशु ही कर देते हैं। हाँ। जैसे उसमें मान लो किन्नी हो गया, किन्नी निकाल तो ओकर काम ला। और बकरी भी माने जो मुर्गा है। हाँ। उनके देह में पूरा घूमी कर ही तो कुछ भी नहीं करे। मतलब जहाँ चढ़ जाही खड़े भी रही चढ़ी तो मुर्गी मतलब कुछ नहीं करे। चढ़न दी पूरा शरीर में बैठे रही तो पूरा ओकर शरीर में घूम ही कर ही सब मुर्गी मन 4-5 मन घूम घूम के वहाँ बैठे रही ना तो घूम घूम के पूरा मन चढ़ते हैं। और जो केला पत्ता और चूना खाद जो डालता हूँ मछली जितने खाएं खाएंगे। हाँ। उसके बाद जितना तालाब से पानी निकासी है मेरे 15 एकड़ में पूरा मैंने पाइपलाइन घूम चुका है। और जो जिस खेत में मैं चाहूँ वहाँ वाल खोलता हूँ तो सब एकत्रित होकर यहाँ से पानी ना जो तालाब का पानी है वही खेत में पलते हैं। मतलब मछली तो, वाला पानी जा रहा है तालाब में। तो माने खाद का भी उतना जरूरत नहीं है। खाद का भी जरूरत नहीं है। और एक मिंगनी भी जाते हैं। मिंगनी भी जाते हैं। एक मिंगनी तो बहुत मुर्गा केला अभी ये साफ करते हैं। हर 4 दिन में साफ करा था। हाँ। तेला 6 बोरा होते। हाँ। तो रोज 1 बोरा तालाब में डाला था, दाना वाना में नहीं देते। अच्छा ठीक है, अभी ये समझता हूँ। इसमें रखे हैं पैराकुटी। पैराकुटी तो पैराकुटी किसको खिलाते हैं? पैराकुटी गर्मी में ना। हाँ। बकरियों को मैं लगा दिया था 40 डिसमिल में रक्सी। हाँ। जो होता है मक्का जैसे। हाँ। रक्सी लगाया हूँ उसको जितना कटिंग करो नेपियर से ज़्यादा बढ़ता है और हाई प्रोटीन थी तो अभी तो चराई में है। हाँ। टोटल तो जस्ट गर्मी में। हाँ। मार्च के बाद चराई बाहर भी नहीं है। हाँ। तो उसको दाना के संग में मैं यही बस यही रक्सी है। थोड़ा सा ये अभी उतना हैरानी है। हाँ। इसमें थोड़ा सा सड़न वड़न अभी के बरसात के कारण। हाँ। तन पूरा ये पत्ता हरा है तो। हाँ। यही खिलाता हूँ माने थोड़ा सा पैरा कुट्टी ये। हाँ। और दाना मिक्स कर करता हूँ। हाँ। तो गर्मी अप्रैल से लेके मई जून जुलाई तक जब तक हरा चारा थोड़ा सा सूटेबल बढ़िया हो गया। हाँ। तो फिर तो बीच में यही लगा कि मैं 4 महीने ही खिलाता हूँ। हाँ। रक्सी आधा किलो लगा दिया हूँ। हाँ। तो हम लोग 4 गैया भी है। हाँ। तो गैया लोगों को भी देता हूँ और बकरी को भी। लेकिन अभी फूल हरा चारा खा रहे हैं ना। हाँ। इसको भी नहीं खा पाए नहीं खाते हैं। अच्छा वो चरई में आ जाता है खाते हैं। चरई में जाए तो तोर मन की नहीं खाए। अपन मन के खाते हैं। कोई भी छेरी हो वो कम पड़ते हैं ना।
मार्च के जस्ट बाद मैं जनवरी से लगा दी हूँ, तो हर दो महीना के बाद कटिंग शुरू हुई। जतकी काटे के बाद एकदम पतला बोए रहा था, वो पूरा नेपियर वगैरह बहुत ज्यादा गुच्छा निकलते, और मैं 8 कटिंग ये साल ले रहे हैं। वो बकर बाद ना अभी बरसात में काम नहीं है, जोन भी किसान आदमी धान हो जाए करके नहीं उखाड़ दें तो नहीं उखाड़े भी कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, 12 महीना हुई और जतकी कटिंग हुई मैंने एक साल दो साल। तो इसको लाए कहाँ से थे? इसको मेरे को यहाँ कृषि विभाग में से मिला था, 1 किलो में लाया था। तीन साल क्या लगता है? बीजा, बस बीजा वो कर दो, बस कृषि विभाग में मिल जाएगा बीजा? हाँ मिल जाएगा, ठीक है, या मार्केट में भी मिल जाएगा ये। हाँ। वो लगाया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा 10 डिसमिल खेत को छोड़ दिया था ना, उसमें 25 से 30 किलो मेरे बाद खुद का बीजा भी हो गया। अच्छा। तो मेरे को अब खरीदना नहीं पड़ा, 1 किलो आया था, अब 2 साल हो गए फूल बुआई कर रहा हूँ। मेरे पास 1 क्विंटल लगभग हो गया था, भाई को भी 25 किलो दिया हूँ, वो मछली खिलाता है। अच्छा, वो लगा देखेंगे, ठीक है। अभी भैया ये क्या काम करता है? ये धान कुट्टी है ये। अच्छा, धानकुट्टी है। धानकुट्टी है, तो इसमें खाने के लिए मैं अपना और पूरा मोहल्ला का अपने एक ही परिवार है। ये कितने का मशीन है भैया? ये 13 से 14 हजार में मिल जाएगा। ये तो अच्छा मशीन है। अच्छा मशीन हर घर में रहना चाहिए। माने छराई के लिए मैं विशेष रखता हूँ, लेकिन इसका चावल जो क्वालिटी में निकलता है ना बहुत बढ़िया। तो मैं अपना कूट के गाँव का जितना खाना का है 100 कट्टा लगभग मैं अपने गांव का कूट लेता हूं, और कोई टेंशन भी नहीं है, चालू कर दो धान देने वाला रहेगा, ऑटोमेटिक है सब। धान लटा रहे होते निकला छोटे से मशीन, बस कोढ़ा हटाना पड़ते, कोढ़ा और आने मन के खपत नहीं है, कोढ़ा छोड़ देते हैं। वो बहुत बढ़िया है, बकरी वाला हल्का से दे देता तो खा लेते हैं, और गैया पर चाहिए गैया खा लेते, तो मोटी 50 कट्टा लगभग माने दूसरा मन के हो जाते। तो कर तो मैं एक सीजन में मेंटेन करें आते 2 साल हो गए। पहले एक पहली वो पट्टा वाला जो आए वोला भी रखे रहे हैं। मैं आज 15 से 20 साल हो गए, हम जब छोटे रहे तब ले है ये धनकुट्टी मशीन। सबसे बड़े बात हम कूटे के उद्देश्य से नहीं, चावल छर के खाए के ज़्यादा पसंद है। मैंने 8-10 दिन हो ही कहीं करिए तो चावल में जो कीड़ा वीड़ा या छरई में थोड़े तकलीफ है तो चावल अच्छा नहीं लगे टेस्ट। ये मैं लाना हर हफ्ता में हम उनका हर 4 दिन में छर के फ्रेश चावल खाता ठीक है, कोट के रख दे रहा था, यदि आनी एक बाल्टी कर ही 4 दिन के पूर्ति छर के खाता, तो गाँव भर के भी छरवाते तो करता। अच्छा, ये हमार नहीं भाभी मन सब कर लेते। अच्छा, हम वाला देख रहे के कोई मेंटेन नहीं, मेंटेन नहीं। हाँ, ये भाभी मन घर के माँ सब चला लेते। अच्छा, चलो अभी दाना समझता भैया। हाँ, हाँ, इसमें क्या क्या मिलाती है दीदी? बस ये मिल्कियाने 6000 है, ये दे दिए, ये इसको, ये खाली दाना है। हाँ। है न? अच्छा, ये मिल्काना छे ना? हाँ, मिल्काना छे, बस इसको ये निकाले हैं। हाँ, मैं समझ गया ना, मिल्काना मौको आता हूँ, बस वही है। हाँ। और घर का सरसों लगाते हैं हम। हाँ। तो खली है। हाँ। तो इतना खली को दे देते हैं। हाँ। और दाना बस इतना कैसे मिक्स करते हैं जरा बताओ ना, इसको आधा इसमें करके ना। अच्छा, खली को इसने सोते सोते। हाँ, मिक्स करके। हाँ। अच्छा ठीक है, ये भिगाते नहीं है ऐसे ही ना? हाँ, ऐसे खिलाते हैं। हाँ। भिगाओगे तो गर्मी में ठीक है। हाँ। अभी थोड़ा सा कोई कोई सर्दी के कारण नहीं खा पाते हैं ना। हाँ। तो सूखा है तो हरा चारा पर्याप्त है। हाँ। तो ये सूखा जाएगा ना। हाँ। तो हल्का फुल्का पानी में भी भीग जाते हैं, बाहर जाते हैं तो। हाँ। तो उसमें वो सर्दी वाला अभी तक सुई गोली की जरूरत ही नहीं। हाँ, थाली खवा देते। हाँ, सरसों थाली है तो हल्का से छीक विक भी आद रही, तो यदि ज्यादा पानी में आज भीग गए हैं तो खली और दाना की मात्रा थोड़े से बढ़ा देता 2 किलो में। अच्छा। हाँ, बढ़ा देता तो शुष्क करके सुबह तक लगभग नॉर्मल आ जाते हैं। हाँ, हिंदी वालों को समझा दें, भैया कह रहे हैं कि अगर सर्दी का प्रॉब्लम दिखाई देता है। हाँ। तो वो उसमें दाना की मात्रा को बढ़ा देते हैं और सरसों खली की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जुहा किन्नी होते का कर सकते? जुहा किन्नी करे और मैं मैंने अगला साल रही तो हाईटेक तो लगा थे, लेकिन छोटा छोटा कीड़ा होते जहर मरे नहीं है। पेशवा वो मरे नहीं, छुआत की उड़िया थे। हाँ। वो मैं प्रोन एक दिखा दो ना वाला। हाँ, मैं ले आता हूँ। हाँ, लगा के दिखाओ। हाँ, हाँ, ये है प्रोन। ये कुछ भी कीड़ा वीड़ा कहीं भी लगे है शरीर में कुछ है, यदि ठंडा के दिन में बुटाक से मतलब नहाना नहीं। हाँ, बुटाक से लगा नहाना हो रही। हाँ। तो सर्दी हो ही। हाँ। तो इले में लगाएं, बहुत ज़्यादा रही, थोड़े से टेंशन में आ गई बकरी, थोड़े में सीखत रहे हैं जान नहीं पाएं, तो माला पता चलिए पेशवा कराने करके
हेला जब मैं लगाए ये हर 50 ml के 100 ml के आते तो ये में 250 लगभग 259 या कुछ रुपया के रहते तो कंसेशन 215 रुपया में मिल जाती रही। तो इला में पर 10 किलो में 1 ml लगाना रहते अभी लगा के देखा। हाँ वहाँ लगा के देखा देवो हाँ। बढ़िया में सब दे रहे थे नेपाल सब है लेकिन डायरेक्ट नहीं बने तेला हम सिरिंज में बढ़िया निकाल नहीं तेल देख हाँ, बनाओ सिरिंज में दवाई ये है। उसकी सीसी है हाँ। इसको सिरिंज पे लगा के लगा, दिखाएंगे हाँ। क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या हाँ, है हाँ, हाँ। इसका निदान खोजेंगे कुछ भी बहुत टेंशन फ्री है हाँ। अच्छा निजात दी तो फर बकरी के पेशवा खत्म हो इमे और कुछ बताया के लिखे का हाँ ये मान ले कमजोर है तो मैंने नैनोकाइन प्लस या लकड़ा वकड़ा है या न्यूरोकाइन प्लस एला 10 ml लगभग बकरी मतलब पियाता अभी कमजोर बकरी है हाँ। बच्चा है मतलब 5 ml देता हूँ कमजोर बच्चा ला 5 ml तो ये हाँ। बहुत अच्छा काम करता है हाँ। न्यूरोकाइन जो नस के लिए हाँ। भी तकलीफ नहीं है हाँ। के कई कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना कि मोर का बच्चा च नहीं टिके मोर का बच्चा खत्म हाँ तो अभी तक भैया मोटी करीब करीब 35 से 40 बच्चा आ गए है तो डैमेज माने कुछ कारण बस रोग में अभी तक एक बच्चा नुकसान नहीं हुई ये बहुत अच्छा काम करता है बच्चों हाँ, में बहुत बढ़िया हाँ ये सुधीर जी येला हो सके तो येला हाँ। ओला भीमराल का हाँ भीमराल हाँ। माने ओला भी 2 ml आयला हाँ। करके 7-8 ml लगभग एला 5 ml ओला 2-3 बड़े बकरी में दे दे हाँ माने छोटे मन में और ओला येला बड़ी में देना है तो 10 से 15 माने कोई माने बड़े भी थोड़े सुस्त आ गई थे ना तो येला दे दे बड़े 5 ml ओला मैं तो इसको ना 1-2 दिन के बच्चे को 0.5 ml देता हूं हां वही तो जैसे काली हाँ, पैदा हुई ना हां हां 0.5 हाँ, दे देता हूं ठीक है हाँ, तो ये है तो ये 0.5 ml मैं छोटे बच्चों को जो कल पैदा हुआ उसकी बात हाँ, कर रहा हूं हाँ, उसको दे देता हूं ठीक है फिर उसके डोज को इंक्रीज करते जाता हूं जैसे बढ़ते जाते हैं डोज को उनके बढ़ाते जाता हूं ये अच्छा काम करता है ठीक है और भैया ये हो गया टोनोफास यदि कोई ज्यादा कमजोर है खाना पीना में तकलीफ है तो टोनोफास ये बहुत बढ़िया एक एंटीबायोटिक टाइप का है इसको देना चाहिए यदि कमजोर दिख रहा है 2-3 दिन लगा दो गाय भैंस सब में लगाते हैं कितना लगाते हैं इसको इसको बकरी में 2.5 से 3 ml वो उम्र के हिसाब से और गाय में गाय भी लगाए हूँ उसमें 20 ml लगाया रहा हूँ कितना गाय है गाय मोटी अभी 3 है बच्चा इधर आघेज में है अच्छा थोर किन देख हाँ हाँ और इमें और बढ़िया है ये जो उनका कहते हैं एविल है हाँ ये एविल है एविल है हाँ और इसमें सब ये तो डिवार्मिंग डिवार्मिंग का है हाँ ये बी कॉम्प्लेक्स है बी कॉम्प्लेक्स को कैसे देते हैं भैया जरा बताओ तो इसको बी कॉम्प्लेक्स सीसी बुखार उखार जो भी आ गया हाँ। हम लोग बुखार के लिए देते हैं ना उसके साथ में दे दो यदि खाना नहीं खा रहा है बकरी कुछ कारणवश तो उसमें दे दो बुखार में क्या देते हैं मेनोलेक्स प्लस देता हूँ कितना देते हैं और किस में देते हैं उसको चमड़ी में देते हैं हाँ। और चमड़ी बढ़ानी मांस में देते हैं हाँ। और 3 ml देता हूँ मैं यदि 30 से 35 किलो लगभग का है तो 3 ml देता हूँ दो हाँ। बोलते हैं डॉक्टर लोग लेकिन अभी का दवा थोड़ा सा मेरा खुला रहता है मैं 3 देता हूँ ना बहुत परफेक्ट है और कोई नुकसान वाला काम नहीं और उसमें फिर इसको किस में लगाते हैं और किस में देते हैं ये भी मांस में ही लगता है हाँ। और इसको भी 3 से 5 ml दे सकते हो 3 से 5 ml दे सकते हैं तो दोनों को साथ में कर देते हैं बुखार है तो हाँ अगल बगल देता हूँ और 2-3 रहता है तो एक ही जगह नहीं देता एक साइड इधर दूंगा तो इधर दूंगा हाँ। नहीं होगा पीछे से भी देता हूँ जांग में भी देता हूँ एक ही जगह दो निधिल एक जगह एक साथ नहीं मारता मैं ठीक है ये रहा मेनोलेक्स प्लस ये है मेनोनेक्स प्लस जिसकी चर्चा भैया कर रहे हैं और हर दवाई पे उसका जो यूज़ है वो कितना करना है ये लिखा रहता है और भैया अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं आप अपने करीबी पशु चिकित्सक के सलाह अनुसार करें, करें। बकरियों को हम अभी हाँ। खिलाने जब भी तकलीफ भी आता है तो उनको फोन इधर बता दे भैया ये टोपी केयर है टोपी केयर ये कोई भी टोपी केयर हाँ टोपी केयर कीड़ा लग गए है घाव है छिलका में है मोज भी आ गए है कुछ भी है आँख मुँह के लगातार आयुर्वेदिक के आदमी मन भी घाव आ है तो लगा सकते हाँ और बहुत बढ़िया सेंटेड भी है एक बार का सेंट आ जाए तो बढ़िया है
और सबसे बेस्ट है ये हरे हाँ माने कुछ देख कीड़ा भी रही तो मर जाही और घाव बहुत जल्दी रिलीफ तो होते लगाए भी तकलीफ असल में माछी नहीं बैठा हाँ बैठा नहीं दे ऊपर से फूल लगाए कोई बकरी भागत भी है तो तकलीफ हाँ ये एक और स्प्रे दिख रहा भैया मेरे को हाँ ये गवर्नमेंट सप्लाई ये माने सूजन के लिए है स्पेशल इसमें नाम नहीं है ये फिजिकल आपको मिला है हाँ आया था तो ये डॉक्टर मेरे को जो है ना पंकज पटेल मेरा यहाँ हमारे कनकवीरा के डॉक्टर वो दे रही इसकी वाला मिले रही कोई कंपनी से और अच्छा है एक तो बकरी लग रहा है तो मेरा ट्रायल करे वो लगा रहे हैं अच्छा तो बढ़िया हुई से तो का दवाई किसे ये डॉक्टर पता चली ठीक है ठीक है भैया बहुत तो दिखा दिए है वो ओला धरो ना वही वो विश्व वाले दिखाओ ना अच्छा हाँ 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 लगा के बताबो लगा के बताबो और खावा के बताबो ठीक है ना ए दे डोलो में एक तो भी रखे रहे हैं एक बड़े भाई यह कीड़ा वीड़ा यदि कोई लग गया है नहीं देखे हाँ दिखन तो लगा था डाक वाक गाय सब लगा था समझ डाक को कैसे लगाते हैं जरा बताइए डाक को खाली यहाँ से गर्दन में लगा देता हूँ ये अभी 35 से 40 किलो है इसको 1 ml बोलते हैं मैं 125 ml लगाया था एक बार थोड़ा सा हल्का सा खरोज भी आ जाएगा ना डाग में यदि कोई दूसरा का खरोज कुत्ता का आ जाता है देसी का हल्का खरोज भी रहेगा तो उसमें कीड़ा आने की संभावना रहता है तो खरोज भी देखूंगा तो कि एक दो बार कीड़ा लग गया था तो होता है तो मैं लगा देता हूँ अच्छा ये है ड्यूरो मैक मैक इस बकरियों में भी लगाते हैं बकरियों में बकरियों में किस में लगाते हैं इसको चमड़ी में लगाता हूँ तो भैया एक चीज बताइए आप इतना बड़ा किसान ये बकरी पालते हैं तो लोगों ने तो आपको पहले कहा होगा मेरे वही पहले वो 2-4 पालों के छेरी वाला है ऐसा है वैसा है थोड़ा सा नेगेटिव तो आता है समाज से भी और अलग अलग बगल जो कर भी नहीं पाते वो बोलते हैं लेकिन दूसरे से कहने पे नहीं अपने में जो लगे मेरे को लगा मतलब आपने कहा मुझे पसंद है तो मैं कर रहा हूँ और दूसरे लोग कहने से क्या होता है और 2-4 रहेगा तो छेरी चरवा ये सब बोल देंगे लेकिन मेरा फार्म थोड़ा सा बड़ा होगा एक अलग नजरिया से देखेंगे सोच के मैं ये काम चालू किया हूँ अच्छा कितना है अभी 3 है 5 था 2 को बेचा भी हूँ और मेरे को दूध खाने पीने के लिए ठीक है लेकिन मेरे मुख्य गोबर गैस और मछली के लिए जाता है गोबर गैस किधर है भैया हाँ एक गोबर गैस ये है हाँ ये गोबर गैस ये है अच्छा ये यहाँ गोबर हाँ ये हाँ यहाँ से घोलता हूँ गोबर डाला है पाइप को घुसा दिए हाँ घुसा दिया हूँ इसको खाली घोल के ना यहाँ से छोड़ देते हैं यहीं से करते हैं बाकी लोग सब करते हैं और एक टंकी यहाँ है टंकी कैसे करे भैया टंकी बताओ हाँ एक टंकी यहाँ था तो ये अच्छा लगा उसके बाद मैं ना ये दूसरा के निकासी है एक टंकी फिर बनाया मैं ये 4 घन मीटर का है यहाँ से वहाँ माने गोबर घुलाई होता है यहाँ से निकल के ऑटोमेटिक यहाँ चला जाता है यहाँ से उधर जगह मेरा कम था साइड में बच रहा था तो टंकी को बगल कर दिया हूँ तो बहुत कम जगह में ये देखो इसमें छोटा सा जगह हाँ छोटा सा जगह 8 घन मीटर है अभी तक मेरे पास सिलेंडर नहीं है इसी में 20-30-40 आदमी का खाना बन जाता है अभी भी देखो एक बार खाना बन गया है लेकिन अभी टंकी फुल है ये जब खाली होगा ना पूरा खाद नीचे टंकी से निकल जाते हैं टंकी से नीचे हो जाते हैं और बहुत बढ़िया है ये तो मैं गया ना मैन चीज अब पहले सोसाइटी था अब गांव वाले छोड़ दिए तो मैं अभी बेच रहा हूँ सोसाइटी में ही दे रहा हूँ लेकिन उतना नहीं है तो जितना खाद यहाँ लगता है मैं करता हूँ बाकी को घोल देता हूँ तो यहाँ से तालाब है मेरा जस्ट नीचे में इधर दिखा प्रकाश हो हाँ हाँ दिख जाएगा हाँ नीचे में तालाब है तो वहाँ खाद का जो घुलाई होता है वो मछली के लिए चला जाता है मछली पालन हाँ मछली पूरा एकदम सिस्टम चैन सिस्टम बना है सब है चलो भैया नारियल भी अच्छा फड़ा था देख लो नारियल दिखा प्रकाश हाँ वैसे 6 घुलाव था करीब अभी त्योहार था ना घरेली तो सबको फोड़ा हूँ भी और बचा भी है तो 21 हाँ 100 से 150 फल आया था अभी अच्छा ये देखो नाली में यहाँ से सीधा नाली बना दे हाँ वहाँ से पाइप गड़े अच्छा तो सब खाद यहाँ से घुल के चल देते और एमे का कोचाई हो अरे तो कोचाई है जस्ट कोचाई हो ही जाली घेल दे हाँ
वो आने मन दूसरा मन के मुर्गी मना के एक साल बर्बाद करी तो 2500 के पौर मुर्गी घर रहते में 10,000 के कोचाई हो गई रही। ये कोचाई जब तो वही अभी एक आध महीना में कोड़ाई कर दी। हाँ आलू हो जाए बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात सब आमा मन अलग अलग वेराइटी के। अच्छा हाँ माने कते लंगड़ा कते का और एक से एक टेस्टी है सब। अच्छा सब वेराइटी अलग है और सब अच्छा सब कते एक कुंटल का 50 किलो लगभग सब आमा मन फल थे। अच्छा ठीक है तो हाँ। ये तरीके से पूरा सर्कल हाँ, करें हम। ये लेमन ग्रास है हाँ। इसमें बोलते हैं मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ और हाँ। बोलते हैं कि इसमें सांप वाँप भी नहीं आता और इसका चाय बहुत अच्छा बनता है। हाँ इसीलिए इसमें चाय आप बना लो तो ना इलायची का ना अदरक का कुछ ही जरूरत नहीं। हल्का से चाय पत्ती दे दो आप सुन के देखो भैया हाँ, बहुत शानदार है। तो इसमें ना हाँ। ना इलायची लगे ना कुछ लौंग लगेगा ना आपको तेज पत्ता की अदरक की देने की जरूरत है। टोटल बढ़िया चाय बनता है। यही चाय बनता है और शरीर के लिए भी फायदाजनक है। तो यही है और मैं बहुत जना और दे दिया हूँ और अच्छा लगाया हूँ। ये तोड़ तोड़ के लेते हैं। पहले अंगना में था मैंने आंगन में था उसको अभी यहीं शिफ्ट किया हूँ। ये है दो तीन और उधर और है वहाँ एक पेड़ है वहाँ है बाकी सब बढ़िया है यहाँ पे। चलिए ठीक है तो दोस्तों हम खाना रेडी कर लिए हैं और ये बहुत लंबा वीडियो है। यहाँ पे बकरियों के लिए खाना रेडी हुआ है और खाना कैसे रेडी होता है इस पर हमने पूरा डिटेल बात किया है। साथ में ये बकरी को भी हरा चारा देते हैं हाँ। और ये मुर्गी को भी देते हैं हाँ। तो भैया ये मुर्गी को देने जा रहे हैं लेकिन ये वीडियो की लंबाई इतनी अधिक हो गई है कि ये जो वीडियो है ये हम यहीं पे ख़त्म करके इसका दूसरा पार्ट बना दे रहे हैं और उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहे हैं। अगला वीडियो जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इन बेहतरीन खाना को किस तरीके से बकरियों को खिलाते हैं साथ में मुर्गियों को खिलाते हैं और फिर ये भी समझ पाएंगे भैया के पास जो फिश फार्म है वो भी कैसा है और पूरा प्रोसेस किस तरीके से घूमता है। ये समझने के लिए पूरा सीरीज देखना पड़ेगा आपको तब सारी चीज़ें आपके समझ पे आएगी। एक ही वीडियो पर संभव नहीं है तो वीडियो लाइक करें और अगला वीडियो जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। धन्यवाद।